अच्छा, जैसे कि लड़के लोग लड़कियों को देख करके कहते हैं माल लग रही है, वाव पटाखा लग रही है, तो वैसे ही अगर मान लो कि एकदम सेक्सी सा लड़का आया, उस टाइम क्या फीलिंग आता है? सेम रिएक्शन होता है, अरे यार क्या मस्त माल जा रहा है, दिख तो सही। तो या हाँ, ये समझ में आता है कि हाँ दैट मीन्स पटाखा लग रहे, तो वी रिप्लाई थैंक यू। हाय गाइस, मैं एक बार फिर से एक रिएक्शन वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है गर्ल्स वर्सेस बॉयज है, क्योंकि लड़कियां भी छेड़ने लगी है बॉस। चलते हैं वीडियो में। कोई लड़का नहीं है, लड़की लड़का नहीं, जनरली लड़के ही करते हैं। कोई कमेंट या कॉम्प्लीमेंट दिया है? चेहरा तो पर हम नहीं चेहरे। अच्छा चेहरा क्या कहा था? अच्छी लग रही हो, यही सब। अच्छा तो उस टाइम फीलिंग कैसा लगा? चलो ये छाती ऐसे चौड़ा नहीं, मन के एक थप्पड़ मारे हम ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ एक बार तुम्हारी है? हाँ। नहीं नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ when I was in junior college, तो मतलब मजा आता, उनको कॉम्प्लीमेंट मिलता, अच्छा लगा था। अच्छा लगा था, तो अप्रिशिएबल था वो। यस मजा आया था। ओह यस अच्छा लगा था। मन किया कि जा करके एक बारी पूछ लूँ क्या चीज था, नहीं था ऐसा कुछ भी, क्योंकि फीलिंग तो आती होगी ना। नहीं मैंने पूछा था उससे। उस टाइम मैं दिल्ली में था, शारदा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो वो लड़की में मतलब फ्रेंड ही थे। अच्छा, तो वो उसकी एक सहेली थी, तो वो मेरे से बोलती थी कि टॉप लगता है। मतलब उस टाइम क्या मतलब क्या कहा गया था? हाय ब्यूटीफुल। अरे वाह, हाय ब्यूटीफुल। अच्छा तूने कभी किसी लड़के को छेड़ा है? हाँ मैंने तो बहुत छेड़ा भाई। हाँ छेड़ा है ना। क्या क्या बोला? पटोला लग रहे हो। बोला नहीं मैंने, बस कर दिया सीधा। दिल्ली में ये बोले जाते हैं पटोला? नहीं एक्चुअली हम पटना के हैं, बट बोलते रहते हैं पटोला। हाँ। अच्छा पटोला का मतलब क्या होता है? सेक्सी। सेक्सी क्या किया वो? एक्चुअली हम मतलब आई थिंक आई वाज इन 8 ऑन दैट टाइम। अच्छा गट कहाँ से लाते थे? है बचपन से कुछ ज्यादा ही। अच्छा कोई नहीं, तो फिर क्या क्या छेड़ा गया था? हाँ तो वो जा रहा था। हाँ? तो मैं हम तीन लड़कियाँ स्कूटी पर थे और वो साइड से वॉक करके जा रहा था, तो उसके हाथ में बलून थे रेड कलर के, उस दिन आई थिंक वैलेंटाइन से था। वाह वैलेंटाइन डे के लड़का छेड़ा इसने। अच्छा फिर आगे बता। फिर उसके बाद वो जा रहा था, तो पहले मैंने उसे सर पे मार दिया, फिर मैंने उसके बम पे मार दिया। वाह चलो वो तो शर्मा के कुछ बोला भी नहीं होगा। वो कुछ ज्यादा स्टाइल मार रहा था, तो मैंने उसका स्टाइल निकाल दिया। वाह वाह। अच्छा लड़के भी लड़कियों को देख के कहते हैं क्या पटाखा लग रही है, तो मतलब क्या देखते हैं उसमें? तुम टॉल डार्क हैंडसम, लड़कियों का ऑब्वियसली यही चाहता है कि टॉल डार्क हैंडसम बंदा हो। अच्छा और अगर वैसे बंदे दिख जाते हैं तो माय गॉड। ओह यस टॉल वाले ना, डार्क हैंडसम, डार्क हैंडसम। अरे हाँ बहुत कुछ देखते हैं। चलो बताओ क्या देखते हैं? कुछ ज्यादा वगैरह नहीं जाएगा? नहीं कुछ नहीं होगा यार, बता बता बता। हाँ मतलब क्या जैसा कि अच्छी दिखती है, पर्सनालिटी अच्छा है उसका। हाँ वही जो सब कुछ दिखता है। क्या दिखता है और क्या बता, कैसे होता है? फिर भी बता तो, मतलब कि हाँ शक्ल अच्छी लगती है। अच्छा, पहले शक्ल देखता है? हाँ शक्ल देखना चाहिए ना, ड्रेसिंग तो पहले मैटर करता है भाई। तो लॉजिक है, थोड़ा सा सिंपल लॉजिक है, जल्दी आदमी जाता है भाई, है कि नहीं? कंटाप लग रही है, चल घुमाते हैं। मतलब लड़की को ऐसे कंटाप घुमाने के लिए? कंटाप चला मेरे को कोई बोले मैं घूमने के लिए चाहिए। तो टेंथ में कभी किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया या कॉमेंट किया? बस टेंथ में जो एक मेरी अगजीएफ है उसने किया उसी समय। अच्छा अभी भी है जीएफ? जी। वाह यार लॉन्ग लास्ट। कभी कभी ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है जो थोड़ा बहुत नैरो माइंडेड जैसे लगे हो कि वो चीप माइंडेड का है यार, तो उस टाइप का? देन वी मेक अ जेस्चर ऑफ दिस। वाह, दिस इज फॉर दोज बाय हु हैव चीप माइंड। यस अगेन वन टाइम फैट मदरफकर वेस्ट साइड बैड बॉय किलर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और घंटा दबाना मत भूलना बेल बटन। ओह या।